देखिए, मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं होता ये बातें सुनकर, और कारण यही है कि ये अपने मुंह से भी कहते हैं, ये उन बरसाती मेंढकों की तरह हैं जो केवल और केवल चुनाव के समय पर मंदिर जाते हैं। और इन्हें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि पूरा देश आपसे ये प्रश्न जरूर करेगा कि अगर आपकी आस्था राम में थी तो आपने 70 साल की आजादी के बाद न्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों स्थापित नहीं की, क्यों अन्यायपूर्ण व्यवस्था रही जहां पर लोगों को बेसिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थी। 120 करोड़ के देश में 2014 तक मात्र 11 करोड़ से ऊपर बैंक के खाते थे, लोगों के पास बैंक के खाते नहीं, पीने का पानी नहीं, खेतों में जल नहीं, यूरिया के ऊपर झगड़े, महिलाओं के पास शौचालय नहीं। 40 साल, 50 साल, 25 साल बाद इस देश के अंदर वैक्सीन आती थी। किस तरीके की व्यवस्था आप चला रहे थे? और इतना भ्रष्टाचार कि रोज नया स्कैम पकड़ा जाता था। तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था चलाने वालों से आप राम भक्ति की या न्यायपूर्ण व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते, और मर्यादाओं में रहना तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है इस प्रकार के लोगों को।